वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से आज सबसे पहला काम बच्चों का फ्री मेडिकल चेकअप कैंप रखा गया है, जिसके हमारे डॉक्टर साहब हैं संतोष कुमार करमसी साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, और साथ ही साथ डॉक्टर अभिषेक साहब और डॉक्टर विजेंद्र साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं, और आए हुए मेहमान सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। हमारे कॉर्पोरेटर शाह मुबीन पठान साहब के हस्बैंड सलीम पठान साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं, और हमारे इत्तेहाद न्यूज़ इकबाल जगाती साहब का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। डॉक्टर साहब संतोष कुमार करमसी साहब के फादर भी आए हैं, इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और साथ सबसे पहले अल मदद फाउंडेशन के सभी लोगों को मैं बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि इतना अच्छा ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमेटिक वे में ये लोग आज के कैंप अरेंज किए हैं, और इतने लोग आए हैं आज के कैंप का बेनिफिट लेने के लिए, तो डेफिनेटली उनका ये जो कैंप के बारे में जो न्यूज़ है वो इतना अच्छे से स्प्रेड किया है और लोग उसका यूज़ लेने के लिए आ भी रहे हैं। तो यहाँ का माहौल देखते हुए हम आज का जो कैंप है कम्प्लीटली फ्री है, इसका कोई कंसल्टेशन फीस नहीं है, और जो दवाई यहाँ पे दिया जा रहा है वो सब फ्री में बांटा जा रहा है, और ये सब बहुत ही अच्छे ब्रांड के हैं, बहुत ही अच्छे क्वालिटी के मेडिसिन हैं, और सबको जो भी यहाँ पे आ रहे हैं सबको सभी तरह के मेडिसिन हम फ्री में आज दे रहे हैं। और यहाँ के लोग जैसे मैंने यहाँ पे जब से मैंने प्रैक्टिस कर रहा हूँ तब से देख रहा हूँ कि बच्चों में बहुत सारे विटामिन की कमी है, आयरन की कमी है, बहुत सारे स्किन डिसीजेस है, वो सब देखते हुए मैं सब मेडिसिन का हमने अरेंज किया है इन एसोसिएशन विद अल मदद फाउंडेशन। मेरा अस्सलाम वालेकुम। अल मदद वेलफेयर फाउंडेशन को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो लोगों की खिदमत में सबसे आगे रहे हैं। माशाल्लाह इनकी खिदमत के लिए जो आज लोग जमे हैं, इंशाल्लाह ऐसे ही ये अपनी कोशिश जारी करते रहेंगे, लोगों को सहूलत मिलती रहेगी, तो आगे भी ये बहुत अच्छा काम करेंगे, हमें उम्मीद है हमारा भी सपोर्ट इनके साथ रहेगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। सबसे पहले मैं अल मदद जो एक इदारा है जिन्होंने तिब्बत यानी कि मेडिकल फील्ड में काम करने का उन्होंने जो ऐलान किया है और कोशिशें जारी हैं वाकई सराहनीय है। सबसे पहले मैं डॉक्टर साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि क्या हुआ है कि अस्पताल गरीबों की कुव्वत से बाहर होता जा रहा है। अस्पताल को जाना या फिर इलाज करना ये गरीब के बस की बात नहीं रही, और मैं डॉक्टर साहब हैं और कई सारे डॉक्टर्स भी मौजूद हैं, तो एक कट प्रैक्टिस भी चलती रहती है, लिहाजा यहाँ पर बजाय खिदमत के कारोबार हो रहा है। तो मैं खासकर डॉक्टर लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इस तरह से फ्री मेडिकल कैंप में पेशकदमी करके लोगों की, क्योंकि क्या है कि बेलगाम शहर का अगर बड़ा इलाका गांधीनगर है जहाँ पर एक बड़ी तादाद रहती है और बड़ी तादाद गरीबों की है सर, तो यहाँ पर मेरी गुजारिश यही है तमाम इनसे ही नहीं बल्कि यहाँ पर जितने भी डॉक्टर्स यहाँ पर हैं उनकी, कि यहाँ पर खिदमत की नीयत से काम करें ना कि कारोबार, क्योंकि पहले ही गरीब है आवाम, तो आवाम गरीब है और वो दो वक्त का गुजारा करना ही उनके लिए मुश्किल है, तो जब बीमारी आ जाती है तो उनका तवाज़न यानी कि बैलेंस ही बिगड़ जाता है, वो किस तरह से क्या करे समझ में नहीं आता, और ख़ासकर बच्चों को लेकर काफ़ी परेशान रहते हैं। एक तो बच्चे बड़े होने तक काफ़ी फिक्र करनी पड़ती है, उनकी देखभाल करनी पड़ती है, लिहाजा कुल मिलाकर बहुत ज़्यादा वक्त न लेते हुए मैं यही कहूँगा
कि डॉक्टर लोग अपनी खिदमत पेश करें और ऐसे लोगों को सराहा जाए जो माशरे में आकर पहलकदमी करके क्या है उमूमन। मैं ये भी बात कहना चाहूँगा सर, जिस तरह से एक माहौल बना हुआ है कि एक कम्युनल एटमॉस्फियर है, लोग तकसीम बंटवारा होता देखे जा रहे हैं, तो गांधीनगर एक अक्सरियत मुस्लिम इलाका होने की वजह से यहाँ पर भी तवज्जो बहुत कम होती है। तो मेरी यही गुजारिश है कि यहाँ पर बिना किसी भेदभाव तफरके के इंसानियत के नाते खिदमत करें। वाखर दावाना अनिलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। अल मदद के जानिब से आज 6 तारीख को कैंप रखा गया। आज बच्चों का फ्री चेकअप रखा गया डॉक्टर संतोष करम सिंह के इसमें, जो डॉक्टर बहुत फेमस है, केली अल्लूर में काम करते हैं और हमारा इदारा पिछले 1 महीने में ही शुरू हुआ है। उसके ज़रिए हमने फर्स्ट आज फ्री कैंप किया है और आगे इंशाल्लाह हर महीने एक एक फ्री कैंप रहेगा और आने वाले आगे हम एक कुछ दिनों में ही आंखों का फ्री चेकअप रखा जाए, देखते हुए नजर के आंखों बहुत आगे हो रही है। उसके अलावा जब भी गरीब वगैरह है उनके लिए भी फ्री ट्रीटमेंट वगैरह देने का हमने उठाया है और इंशाल्लाह उसके लिए भी हम आगे का फ्री काम करते रहेंगे। मैं इम्तियाज़ पठान और अल मदद फाउंडेशन का सदर बोल रहा हूँ। आज हमने एक फ्री कैंप लगाया है बच्चों के लिए और फ्री मेडिसिन भी दे रहे और गांधीनगर में ज़रूरी है चीज़ करना और आइंदा भी हम इसके पीछे काम करने वाले हमेशा और हर महीने ये फ्री चेकअप रहेगा हमारा। अब जैसे कि अभी अंख्या का इन्फेक्शन चल रहा है, अभी 15 अगस्त को इंशाल्लाह हम फ्री कैंप करने वाले लोगों भी और जिससे जो माली हालत कमज़ोर है, जिसे अभी तक आँखों का चश्मा लगा है अभी तक नहीं लिए माली हालत के साथ, इनके लिए चश्मा हम देने की कोशिश करेंगे और हमारा क्लिनिक खोलने वाले हम न्यू गांधीनगर खुदादाद गली क्लिनिक ओपन करने वाले हैं। इसमें 8 घंटे क्लिनिक ओपन रहने वाला हमारा, उसमें लेडीज डॉक्टर रहेंगे 4 घंटे के लिए, जेंट्स डॉक्टर रहेंगे 4 घंटे के लिए, उसमें मेडिसिन हमेशा फ्री, कितनी बार भी दिखा सकते हैं तुम फ्री है, उसमें बीपी शुगर हर चीज़ की हम दवा देंगे और इंशाल्लाह चेकअप चलने करने वाले अल्लाह हमारे ऐसे काम लेना चाहता है तो ले रहा है अल्लाह इंशाल्लाह। तो उसके आगे हम वेद की हम ताकत लगेंगे, अपना माल अपना भी लगेंगे, अपना वक्त लगेंगे। ताउन चाहिए आपका हमें, हमेशा आपके लिए हमारे दरवाजे खुले रहेंगे। जो हमारा इदारा है गांधीनगर के अंदर, जो गरीबों को सर जाती खिदमत होगा और हमारे साथ में रब्ता करने चाहते हैं तो आप न्यू गांधीनगर खुदादाद गली के अंदर आप हमें रब्ता कर सकते हैं।